प्रज्ञानां सुकृतानि स्थिरचरणिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्वविष्टान् पुनरपि शरोद्भासितान् कामजज्ञान् सर्वान् विशेषान् शवति मधुरभुं मायया अथर्वेदीय मांडुकोपनिषद के तृतीय प्रकरण जब पूरा हो गया है ना, पहला प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण, जहाँ पर श्रुति वाक्य के आधार पर जागतिक वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है, जिस परम पुरुषार्थ को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस परम पुरुषार्थ के लिए ये मुख्य साधन नहीं है। जागतिक वस्तु में पारमार्थिक सत्य नहीं है, इसको श्रुति वाक्य के आधार पर सिद्ध करने के बाद इसको युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है। और कौन सा युक्ति? श्रुति अनुभूत वाक्य के द्वारा इसको समझा जा सकता है, इसको वैतत्व प्रकरण में समझाया। और फिर तब तो सारा संसार मिथ्या ही है, तो अधिष्ठान भी मिथ्या होगा। तो बोलते नहीं नहीं एक अधिष्ठान भेद रहित पूर्ण व्यापक तत्व पारमार्थिक सत्य है, वो श्रुति और युक्ति के आधार पर समझाया। ग्रंथ यहाँ पे समाप्त हो सकता था, परंतु ये जो लास्ट में क्या न कश्चित जायते जीव संभव सत्यम न जायते, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है उत्तम सत्यम जत्र किंचित न जायते, इस प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए श्री कुजा को दृष्टांत हेतु देना पड़ेगा। क्यों? जब ये बोल कर कहा मुख्य रूप से दृष्टांत के द्वारा समझाने के लिए ये अलग शांति प्रकरण शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है संबंध को लेकर कितना सुंदर, जब आपने प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया? न कश्चित जायते जीव संभव सुना विद्या, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, तथा न जायते कि किसका उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। दास लोग क्या बोल के आया था कि तद उत्तम सत्य किंचित न जायते, ये सबसे उत्तम श्रेष्ठ सत्य है, पारमार्थिक सत्य ही है, व्यवहारिक सत्य। ये जो आपने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हेतु और दृष्टांत देना पड़ता है। ये दृष्टांत के माध्यम से उसको पक्का करके समझेंगे, हेतु उसी में आ जाएगा। तो दृष्टांत है अलग शांति। एक ला धातु है, ला धातु अलादिगंत परस्मैपदी धातु है। ला आदाने दाने च, आदाने दाने च, ठीक है ना, मतलब लेन देन करने में, लेन देन करने में। ला इसका निष्ठा रूप है, लात मतलब जहाँ पे लेन देन होता है निष्ठा रूप है, ये सब का तो मतलब चला गया, मत मतलब मन, ये हमारा सिद्धांत है। इसी प्रकार लात, लात मतलब जहाँ पे आदान प्रदान होता रहता है। अब अलात मतलब जहाँ पे कोई आदान प्रदान नहीं होता, सारा आदान प्रदान मन दिखता तो है परंतु कोई आदान प्रदान होता नहीं है। और सामान्य से अलात मशाल को जानते हैं, मशाल मशाल बोलते हैं एक डंडे के माथे में आप कपड़ा लपेटा, कपड़ा लपेटने के बाद उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दिया, आप दोनों तरफ में आपने कपड़ा लगाया तो दोनों तरफ में हाथ लगा दो, मरे मत भारत से मतलब लोग को खेलते ऐसे, दोनों हाथ में लट्ठी लेंगे, लट्ठी कपड़े में लगा करके दोनों हाथ में लट्ठी ऐसे घुमाएंगे कि आँख के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, आँख के बीच में एक व्यक्ति खड़ा ऐसा लगेगा, परंतु वहाँ पर ना कोई आम उत्पन्न हुआ, उसी का आकार दिखाई पड़ता है ना उसका कहीं नाश होता है, बस वो प्रतीति मात्र है, घूमने के कारण प्रतीति मात्र है। इसी को यहाँ पे मन में रखते हुए ग्रंथकार ने अलात शांति प्रकरण को चतुर्थ प्रकरण को शुरू कर दिया। जो मैंने बताया भगवान भाष्यकार की जो शैली है आगे पीछे पूरा ग्रंथ के संदर्भ को बताने का, क्यों हम अगला आगे जा रहे हैं, समाप्त क्यों नहीं किया, उसको लेकर के देखिए। तो अथ अलात शांति आख्यम चतुर्थ प्रकरण, ठीक है ना। अब इसके बाद आगम प्रकरण,
वैतर्थ प्रकरण अद्वैत प्रकरण आप उसके बाद अलग शांति नामक चतुर्थ प्रकरण यहाँ के अलग मतलब यहाँ के जहाँ पे सारा आदान प्रदान बंद हो जाता है, यहाँ पे सारा दान लेन देन व्यवहार सब बंद। देखो जो भूमा के लक्षण करते हुए क्या बोला था वहाँ पे, यत्र नान्न पश्यति नान्न शृणोति नान्न विजानाति न वदनं केन कम पश्यति केन कम जिघ्रेत केन कम विजानाति मैत्री ब्राह्मण में। इस प्रकार से जहाँ पे सारा व्यवहार बंद हो जाता है और दूसरी बात का शरीर के तरह व्यवहार होते हुए भी अपने में जानता है कि मुझ में कोई व्यवहार नहीं है, पंचो मानता भगवत की तरह नहीं बोला नहीं को किंचित करो व्यक्ति जो को मन नहीं देता तभी पश्चन श्रीमन श्रीन आसनन गच्छन सफल ससन प्रमाण दुष्टि गिन्नन उद्विशन निमिशन इंद्रिया इंद्रिय अर्थ शुभ थे इति था ये निश्चय रहता है। देखो समस्त जगह पे ये जो अंतिम स्थिति में क्या होता है, ज्ञानी के शरीर के तरह व्यवहार होने पर भी उनकी निश्चय रहता है कि इस क्रिया के साथ मेरा तीनों काल में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे सारा बैठ इसी को निष्कर्म सिद्धि भी बोलते हैं, इसी को निष्कर्म सिद्धि भी बोलते हैं। भगवद गीता में आए सब निष्कर्म सिद्धि, निष्क्रियता मतलब फल के साथ संबंध रहित हो गया, ये निष्कर्म सिद्धि। तो हम देखें ग्रंथों में मतलब अंधों को काले कहा हो चाहे उपनिषद हो चाहे गीता हो, हमारे जो संप्रदाय में आचार्य के लक्ष्य मुख्य की जगह पे है, सभी की जगह पे देखो तो भाषा तो की भिन्नता है परंतु मुख्य लक्ष्य वही पे ले जाते हैं कि कैसे जो स्थिति में व्यक्ति बच सकते हैं। अब जो है देखा यहाँ पे पहले ग्रंथकार मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण जो है हमारे वेदांत के बहुत बड़ा वैशिष्ट है क्योंकि इस मंगलाचरण के द्वारा क्या होता है कि ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति संप्रदाय में आचार्य से आशीर्वाद प्राप्ति कि जो भी कुछ हमने आपने हमसे लिखाया अथवा बुलवाया अथवा कराया इसके फलीभूत हो, ये फलीभूत हो गया। इसलिए हम मंगलाचरण रोज हम शांति पाठ करते हैं, ये निष्फल नहीं है, ये हमारे विघ्नों को दूर करते हैं, हमारे प्रतिबंधक को ज्ञान प्राप्ति में कर देते हैं। ज्ञान प्राप्ति में करोड़ों विघ्न है, ज्ञान प्राप्ति में करोड़ शब्द बैठा हुआ है, देवालय गमन में उसका आधा, गंगा जी के गमन में उसका आधा और दाहिने हाथ में उसका आधा, एक श्लोक है महात्मा की। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि देखो ज्ञान प्राप्ति में करोड़ों प्रतिबंधक बैठा हुआ है, अच्छा, और मंदिर जाने में उसका आधा, गंगा जी में जाने में उसका आधा, मतलब 50 लाख फिर 25 लाख और फिर दाहिने हाथ में उसका आधा प्रतिबंधक बैठ रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति में आपका कई प्रकार के प्रतिबंधक, आजकल तो और प्रतिबंधक हो गया ये होकर के, क्योंकि जाना नहीं पड़ता गुरुकुल, घर बैठ के सुनो ना सुनो कौन देखता है, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक बन गया ज्ञान प्राप्ति। 100% समझ लीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आजकल आया पहले बंधक हो गए वो प्रतिबंधक तो भगवान को पहले देखे, कई प्रकार के प्रतिबंधक, शारीरिक प्रतिबंधक, मानसिक प्रतिबंधक, परिपार्श्विक मतलब आदि भौतिक अध्ययन में कई प्रकार के विघ्न पाए सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति में तो कई प्रतिबंधक और उसका आधा है मंदिर जाने में, मंदिर जाने में तथा श्रवण अन्य जगह पर चले जाएंगे, मंदिर जाए भगवान को प्रणाम करना वहाँ मानने, इसका आधा है गंगा तट में जाने में। अच्छा भीड़ तो थोड़ा सा अच्छा भगवान भगवान श्री कृष्ण हमसे गप लगाते हैं, गर्भम शब्द है सैनिक प्रतिबंधक मतलब धनुषधारी खड़े हुए, धनुषधारी खड़े हुए, अच्छा मैं गंगा तट में जाके देख दो कहाँ 25 लाख धनुषधारी खड़े मैं देख लूँ। तब वहाँ पे भीम गए वहाँ पे जाकर के खूब घूम घूम कर देख रहे एक भी सैनिक नहीं है, आपको बोलते गप लगा दो गंगा तट में 50-25 लाख सैनिक खड़े हुए। भगवान कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बताओ गंगा तट में तो गए थे थोड़ा आसमान दे दिया कि नहीं, एक डुबकी के पास यही प्रतिबंधक है, यही प्रतिबंधक है। इसी प्रकार दाहिने कर्म का क्या होता है, दान देने में, दान देने में इतना प्रतिबंधक बैठा हुआ उसका आधा, सिर्फ होता है कि यदि किसी को देने को कुछ इच्छा और बाएँ हाथ में है तो बाएँ हाथ से ही दे दो। बहुत पहले मैं शुरू शुरू में आया था, गौरी माता जी ने मेरे तक सुनकर बैग दिया था, मैं बाजार गया था कुछ सामान खरीदने,
तो एक दुकानदार था, बोला महाराज इतना सुंदर बैग कहाँ से लाया? मैं बोला मेरे को माता जी ने दिया। अच्छा, मैंने आपको चाहिए तो होता ठीक ठाक। मैं बोला माता जी ने मेरे को दिया तो मैं माता से पूछ कर बोला, मैं माँ के माता जी को बताया, माता जी ऐसे बोल रहे बोलता मूर्खाना तो वहीं पर दे के क्यों नहीं आ गया तो इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण के माध्यम से क्या होता है, ये प्रतिबंधक दूर होता है ना। भगवान शास्त्री जी हमारी परंपरागत आचार्य से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी जो भी हमारे प्रतिबंधक है वो धीरे धीरे ये करो। इसीलिए भगवान भाष्यकर भी देखिए जहाँ पे वृहदारण्यकोपनिषद में जहाँ पे पशुदेव स्वदेवाना ऐसा करके आया हुआ है ना कि जो इस प्रकार जात यज्ञ आदि करते हैं तो वो क्या होते हैं, देवताओं के पशु बनते हैं। और जैसे पशुपालन करने वाले का एक पशु भी खो जाए तो बेचारा शांति से नहीं बैठता, उसको ढूंढ के निकलता है। देवता भी नहीं चाहता है कि मेरा कोई पशु खो जाए ना। देवस्थ बंधु हमें क्या बोलते न देवस्थ न भूतता ईश्वते, परंतु देवता भी आत्मज्ञानी पुरुष होते। भगवान भाष्य भगवान भी बोलते हैं इसलिए देवता से छुटकारा पाने के लिए जाप यज्ञ आदि बलि ये मत करो, परंतु रोज प्रणाम करके उससे प्रार्थना करके मेरा प्रतिबंध हटाओ। भाष्य को लिखते हो ये हमारे मंगलाचरण के अभिप्राय कहता है। मंगलाचरण तो हम पहले मंगलाचरण उसके बाद तक साथ हम बोलेंगे ना धीरे 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 वही उसी में सारा तत्व भी छुपा हुआ। और पूरा वस्तु प्रतिपादन करने वाला मंगलाचरण है पूर्ण मतलब पूर्ण मंगलाचरण क्या होता है, वस्तु तत्व प्रतिपादन करने वाला हमें है। मंगलाचरण प्रार्थनात्मक होते हैं, मंगलाचरण प्रतिपादनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे जो है तीन बात हमारे ग्रंथकार एक ओंकार ओंकार पूरा कंठम तस्मात मांगलिका उभव केवल ओंकार अथवा अथ इतना ही मंगलाचरण के लिए बहुत हो जाता है, बोलना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे आनंद गिरि जी लिखते हैं आद्य आद्यंत मध्य मंगला ग्रंथ प्रचारिणो भवंती इति अभिप्रेत्य आदो ओंकार उच्चारणवत् अन्ते परदेवता प्रमाण प्रणामवत् मध्यापि परदेवता रूपम उपदेशकारम प्रणमति है ना। दिखाना देखिए ये कितना सुंदर शब्द, आदि में मध्य में अंत में तीनों बार मंगलाचरण। यदि आप अध्याय को बदलते हैं तो अथ करके बोलते हैं, जैसे अथ जैसा हमारे यहाँ पे है षडलिंग अथ अथ नजंत पुरी अथ शब्द आनंद जो अर्थ भी होता है और मंगलाचरण अर्थ भी होता है। इसीलिए आद्य अंत मध्य मंगला आदि मध्य और अंत में जो मंगलाचरण जो हम करते हैं वो ग्रंथ जिस ग्रंथ में किया जाता है प्रचारिणो भवन्ति वो ग्रंथ का बहुत प्रचार होता है, वो ग्रंथ का मतलब लिखना सफल होता है। देखिए सात नंबर टिप्पणी में बोलते हैं प्रचारिण क्या लिखे वहाँ में अनेक पुरुष संबंध प्रचार मतलब पठन पाठन के माध्यम से अनेक पुरुष के साथ इस ग्रंथ का संबंध हो जाना इसी को प्रचार कह रहे हैं, इसी को प्रचार कहते हैं। इसलिए क्या हो गया यदि हम इस प्रकार मंगलाचरण करते हैं तो ग्रंथ अनेक लोग पढ़ेंगे, ग्रंथ की सफलता मतलब मांडव को कारिका जो है वेदांत की एक जो है सबसे उच्चतम ग्रंथ है वेदांत की। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मांडव को कारिका है ये इतना समझ तो
पठन पाठन आदि ना अनेक पुरुष संबंध प्रचार पठन पाठन आदि ना सात नंबर टिप्पणी जो प्रचारी रूप है उसके ऊपर देकर के नीचे हाथ से लिखिए पठन पाठन आदि ना अनेक पुरुष संबंध प्रचार है ना। पठन पाठन के माध्यम से अनेक पुरुष के अंदर ये ग्रंथ चले जाए इसके लिए मंगलाचरण करते हैं प्रचलित इति अभिप्रेत। इसी को मन में रखते हुए आदो सबसे पहले ओम अक्षर में देखो सारे ओंकार शब्द द्वारा मंगलाचरण कीजिए। आदो ओंकार उच्चारण बल जैसे पहले ओंकार उच्चारण किए थे उसी प्रकार से अंते परदेवता प्रणाम बल और अंतिम में देखिए परदेवता को प्रणाम करते हैं लास्ट में देखिए 100 नंबर श्लोक में। और बच्चे का तो कर ही रहे हैं जो प्रणाम हम लोग रोज बोलते हैं दुर्दशम अति गंभीर अजम साम्यम विशारदम उत्थापदम अनानाप्तम नमस्कुर्म यथाबलम लास्ट श्लोक 100 नंबर ठीक है। इसमें क्या है कि इस सिद्धांत को सिद्धांत के प्रणाम करते हैं उत्थापदम अनानाप्तम नानात्तर से रहित जो पद है उसको जान करके मैं उसके प्रति झुका हुआ ये आदि और अंत में जैसा प्रणाम मंगलाचरण किया उसी प्रकार से मध्य में भी प्रणाम रूपी मंगलाचरण करते प्रणाम रूपी मंगलाचरण करते इसलिए आदो ओंकार उच्चारण वत अंते परदेवता प्रणाम वत है ना अंत पर मध्य अपि परदेवता रूपम उपदेष्टार प्रणमति। इसका उपदेश कौन किया था मांडव्य को कारिका की उपदेश गौरभागाचार्य कौन किए थे साक्षात भक्तिदंत बैठ कर नारायण जी उपदेश किया। इसीलिए यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि परदेवता प्रणाम परदेवता के प्रणाम के समान मध्य भी बीच में भी परदेवता रूपम परदेवता रूप कौन है उपदेशकार जो जिसको इस मान को कार्य का उपदेश किया था कौन पर नारायण और उसी को है यहाँ पे प्रणाम करते हैं यहाँ पे प्रणाम करते हैं। अब श्लोक में आ जाइए ज्ञानेन आकाश कल्पेन ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान् योगगणोपमान् धर्मान् योगगणोपमान् ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्ध ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्ध तं वन्दे द्विपदाम्बरम् ज्ञानेनाकाशसल्पेन धर्मान् योगगणोपमान् ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। ज्ञान कैसा है आकाश कैसा काश दिव्यो धातु है आसमंतात काशते आकाश आसमंतात काशते आकाश जो चारों तरफ समान रूप से प्रकाशित होता है ठीक है ना। तो ये हो गया वो ज्ञान ऐसा है आकाश कल आकाश सदृश कल आकाश समान जैसा व्यापक है और चारों तरफ ज्ञान के जो प्रकाश अभी कुछ दिखाई दे स्मरण होने अच्छा गगनोपमान धर्मान धर्म यहाँ पे जीव को बोला जा रहा है और जीव भी कैसा है गगन आकाश कैसे गगन बोलते हैं मतलब आकाश और गगन शब्द प्रयोग में थोड़ा सा कुछ अभिप्रेत भिन्न होगा। ज्ञान तो शुद्ध है परंतु जीव को क्या लगता है कुछ अशुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है जीव मतलब जैसे आकाश गगन में क्या दिखाई पड़ता है मेघ बादल तारा ये धूमकेतु आदि सब दिखाई पड़ता है ना। आकाश तो चारों तरफ देह के रूप में प्रकाशित है गगन में ये सब दिखाई देते हैं मतलब डिसिमिलर मटेरियल दिखाई पड़ते हैं कुछ। तो ये जो जीव में ये आकाश और गगन जीव भी ऐसे ही है आकाश के समान ही है परंतु वहाँ पे कुछ विजातीय वस्तु भी दिखाई पड़ता है शुद्ध होते हुए अशुद्ध करता की प्रतीति होती है। इन जीवों को जहाँ ये प्रथम है तो वहाँ द्वितीय अधिवचन है एक हो गया ज्ञान ज्ञान के द्वारा है ना धर्मान गगनोपमान ये जो जीव को जो आकाश के सदृश वो भी है ज्ञाभिन्नेन संबुद्ध जिसने ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय
ये तीनों को अभिन्न रूप से जहाँ ये तीनों भिन्नता जहाँ मतलब त्रिपुट जहाँ पे नाश हो जाता है, एक ज्ञान जीव हो गया मतलब जानने जो मतलब जीव अपने को जानता है, और ज्ञान अभिन्न को कैसे जानते हैं हमने, जीव परमात्मा को जानता है अथवा जीव ब्रह्म को जानता है, फिर जब जानता है तो कैसे जानता है कि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, ज्ञान तो है भिन्नता जब तक है तब तक ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान अभिन्न संबुद्ध जो इस प्रकार जानते हैं ना वो साक्षात ना गए, जब जो इस प्रकार जानते हैं तब उसको जब तक संबंध तब दीपदाम्बरम वंदे, तो दो पैर वाले में उस श्रेष्ठ पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, और जो जो जानते हैं साक्षात नारायण हो जाता है। देखिए यहाँ पे शब्दों की कौशल कैसे, देखिए जो इस प्रकार अपने को इस रूप में जानते हैं तो नारायण के वास्तविक हमेशा ही है नारायण, नारायण परम अयन नारायण, अय मतलब अबोध आश्रय, जीव का अंतिम परम आश्रय वो होते हैं नारायण, काश का दीप्तो था तो काश दीप्तो आसमंतात काश देति आकाश, मतलब चारों तरफ से दूसरा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, काश दीप्त धातु है सब प्रत्यय करते हैं तो आख आसमंत, देखिए न्याय दर्शन मतलब विशेष बोलते हैं अवकाश दातृत्व आकाशम, हमारे विनती करते हैं आसमंत काश अत आकाश, ठीक है ना, जिस जहाँ पे कोई उत्पत्ति के प्रसंग आएगा सबको रहने का मौका देते हैं तो वो आकाश हो गया, अब वेदांतिक सिद्धांत का कुछ उत्पत्ति तो पारमार्थिक हुआ ही नहीं, चार पर्व में फिर भी जिसके प्रकाश हर समय अर्थात पुस्तक में दिखाई पड़ते हैं वो आकाश, इसलिए ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान जो गगनोपमान है ना, जो ज्ञान जो आकाश की तरह शुद्ध चारों तरह समान रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, और जो समस्त जीवों को वो भी जो आकाश के सदृश है जहाँ पे प्रति थोड़ा सा अशुद्ध की प्रतीति होती है, इस प्रकार से जो ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न ज्ञेय और ज्ञाता जो ज्ञान से अभिन्न रूप में जान लेते मतलब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों में कोई भिन्नता वास्तविक नहीं है, जो इस प्रकार जान संबुद्ध सम्मत रूपेण बुद्ध जान लिया तब वो नारायण साक्षात अथवा इस प्रकार जैसे भगवान शंकराचार्य क्या होते ब्राह्मण हो चंडाल हो श्री गुरुदेव सम है ना, मनुष्य पंचम का जो इस प्रकार जानता है कि मैं ही हूँ कलर तत्व हूँ रास्ते में रुक गया तो मैं तो हट जाओ तो पूछा किसको हटने के लिए बोल रहे हो, शरीर तो मिथ्या है आत्मा हट नहीं सकते, तब बोलो मतलब जिसकी इस प्रकार मनीषा है और वो तो मेरा गुरु है उसको ब्राह्मण ब्राह्मण भी हो या चंडा कुछ भी हो ज्ञान न बापा से कल्पना धर्मान जो गगनो पवन ज्ञान अभिन्न न संबुद्ध ज्ञान के अभिन्न ज्ञान और ज्ञान तथा ज्ञाता इसमें कोई भिन्नता नहीं रहता इस प्रकार से जानता है साक्षात नारायण है ना, तम बंदे दीपदम बरम दीप दो पैर में मनुष्य दीप पैरों में उन दीप पैरों में जो श्रेष्ठ है उस विशिष्ट होता जाता है उसको मैं देखता हूँ, देखिए एक साथ इष्ट का स्मरण करते हैं और जो इस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया उनके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, अच्छा तो यहाँ पे ज्ञान है ना आकाश करते हैं, अब भाष्यकार के लिए टीकाकार उपोद्घा दे रहे पूर्व उत्तर प्रकरण संबंध सिद्धिर्थम पूर्व प्रकरण त्रय वृत्तम अर्थम क्रमान अनुद्रवती है ना, पूर्वापर ग्रंथ के संबंधों को दिखाने के लिए पूर्व उत्तर पूर्व मन पहले उत्तर आगे का प्रकरण जो चार प्रकरण में संबंध को दिखाने के लिए इस प्रकरण का क्या संबंध है उसको प्रकरण संबंध सिद्धिर्थ प्रकरण के साथ क्या संबंध है उसको सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रकरण त्रय तीन प्रकरण में आगम प्रकरण वैतत्थ प्रकरण अद्वैत प्रकरण जो भी कुछ कहा गया है वृत्तम अर्थम मतलब जिस विषय को कथन किया गया क्रमात् अनुद्रवति क्रम से उसको दोबारा बोलते हैं छोटे में, देखिए अब भाष्य का की शैली देखिए ओंकार निर्णय द्वारेण आगमत प्रतिज्ञातस्य ओंकार के निर्णय को माध्यम बना करके ओंकार के निर्णय को माध्यम बना करके श्रुति वाक्यों के जो अभिप्रेत अर्थ है उसको प्रतिपादन किया न कश्चित जायते थी संभव मनुष्यमिदिंचित सचराचर मनुष्य और मन भावे कोई तो नहीं उपलब्ध, इस प्रकार से ओंकार निर्णय धारेण
आगमत प्रतिज्ञा मतलब आगम भंग के द्वारा जो प्रतिज्ञा किया था, क्या प्रतिज्ञा? कि सृष्टि में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। अद्वैत बाह्य विषय भेद वैतत्वाच है ना, प्रतिज्ञात अद्वैत उसके साथ जाएगा। ओंकार निर्णय धारणा आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत, ठीक है ना। आगम से क्या प्रतिज्ञा किया? भेद रहित नहीं पारमार्थिक सत्य है, अभेद प्राप्ति है। ये हो गया फर्स्ट ओंकार आगम प्रकरण में। फिर तो हमें तो सारा भेद दिखाई पड़ता है। आप बोलते हैं अद्वैत पारमार्थिक सत्य, हमें चारों तरफ द्वैत दिखाई पड़ता है। इसलिए बाह्य विषय भेद वैतत्वाच, आदि जो विषय दिखाई पड़ता है वो पारमार्थिक नहीं हो, मिथ्या होने के कारण स्वभाव तथा मतलब यथा तथा जैसा वैसा मित्र मतलब जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है। और वैतत्व इसका भाव, वैतत्व इसका भाव मतलब जो जैसा दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है। ये वैतत्व बाह्य विषय भेद वैतत्व, बाहरी विषय में जो भेद दिखाई पड़ता है वो पारमार्थिक नहीं होने के कारण से भी जो सिद्ध से जो सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध? जो अद्वैत सिद्ध से पुनर् अद्वैत शास्त्र युक्ति भी, तो आप अद्वैत को फिर शास्त्र युक्ति के माध्यम से साक्षात निर्धारित से जो साक्षात उसने निर्धारण किया है ना, निर्धारित से एतत् तत् उत्तमं सत्यं है। एतत् सब उत्तम क्या है? एतत् तत् उत्तमं सत्यं यत्र किञ्चित् न जायते, ये जो प्रतिज्ञा करके आए थे एतत् तत् उत्तम इति उपसंहार करते, इस प्रकार से उसका उपसंहार कर देगा। लेकिन तीन प्रकरण में क्या कहा, मुख्य क्या कहा, कितने संक्षेप एक सेंटेंस में सुबह बता दें। आगम प्रकरण में, वैतत् प्रकरण में, अद्वैत प्रकरण विषय क्या था, ठीक है ना। ओंकार निर्णय आगम प्रकरण मतलब ओंकार की माध्यम बना करके आगमत आगम के श्रुति वाक्य के आधार पर प्रतिज्ञात जो प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया? अद्भुत पारमार्थिक सत्य है। इसका बाह्य विषय भेद वैतत्व, बाहरी जो विषय आपको भेद दिखाई पड़ता है वो पारमार्थिक सत्य नहीं होने के कारण से सिद्ध सिद्ध क्या हो जाता है? अद्वैत सिद्ध हो जाता है। जो अद्वैत सिद्ध हुआ उस अद्वैत को शास्त्र युक्ति के माध्यम से समझाने के लिए तृतीय प्रकरण आया था, ठीक है ना। सिद्ध से पुनः अद्वैत शास्त्र युक्ति भ्यम श्रुति अनुकूल तर्क के माध्यम से शास्त्र और युक्ति दोनों साक्षात निर्धारित जो सिद्ध सिद्ध है उसका क्या निर्धारण उत्तम सत्यम तत्व किंचित नहीं, जो सिद्ध इस प्रकार से अद्वैत प्रकरण में आकर उपसंहार कर दिया। देखो तीन टिप्पणियाँ होंगे, एक दो तीन। एक नंबर बोलता है बाह्य अनात्म दृश्य विषय विशेष मिथ्यात्वाद इति अर्थ, बाह्य विषय भेद मतलब जो आत्मा अपने से भिन्न करके जो भी कोई वस्तु दृश्य रूप में दिखाई पड़ता है, आत्मा दृष्टा है दृश्य नहीं है, अदृश्य हमेशा दृष्टा से भिन्न होता है दृश्य, इसलिए बोलता है अनात्म आत्मा से भिन्न और क्या है दृश्य प्रपंच, और उसमें जो विशेष मतलब भेद वो मिथ्यात्व मिथ्या होने के कारण, ठीक है ना। अनात्म दृश्य विशेष मिथ्यात्व अनात्म आत्मा से अपने से भिन्न करके दृष्टा रूप में जो दृश्य प्रपंच जो दिखाई पड़ता है उसमें जो भेद विशेष अतः भेद दिखाई पड़ता है वो मिथ्या होने के कारण, वो मिथ्या होने के कारण ही होगा। बाह्य विषय भेद वैतत्वाच्च सिद्धस्य मतलब जो मिथ्यात्व सिद्ध हो गया उसका, दो नंबर टिप्पणी वैतत्वाच्च सिद्धस्य मतलब ये मिथ्या होने के कारण जो क्या सिद्ध हो गया, अद्वैत पारमार्थिक सत्य है ये सिद्ध हो गया। सिद्धस्य पुनरद्वैत उस परिकार को बोलते हैं वैतत्वाच्च सिद्धस्य इति आर्थिक सिद्धि रुक्ता, मतलब क्या हो गया, मैंने बोला कि ये पेड़ नहीं है अथवा इसको बोलता है ये पेड़ नहीं है, यानी कि इसके बगल में जो बैठे हैं वो मतलब पेड़ होगा, इसी प्रकार ये सत्य नहीं है परंतु एक और चीज है कोई सत्य हो, तो दो ही वस्तु है आत्मा और अनात्मा, अपने अनात्मा को मिथ्या सिद्ध कर दे तो आत्मा ही सत्य होगा। जो आर्थिक अर्थ से जो पढ़ते हुआ, क्योंकि एक सत्य के ऊपर में क्योंकि सत्य मिथ्या सापेक्षिक शब्द है, बड़े सावधान से समझना है ना, आत्मा के सापेक्ष में जगत मिथ्या है। हम कभी भी जो है मतलब मिथ्या ऐसे नहीं बोलते हैं, आत्मा व ईश्वर की सापेक्ष वो पारमार्थिक सत्य वस्तु है, उसके सापेक्ष में जगत मिथ्या है। तो अब जब हम मिथ्या बोला तो किसके सापेक्ष में मिथ्या, तो आर्थिक अर्थ सिद्ध हो जाता है आत्मा सत्य वस्तु है, आप उसको युक्ति और श्रुति के द्वारा सिद्ध करते हैं। प्रत्येक के पीछे आपको क्यों हमने बोला ये मिथ्या, तो प्रश्न किसके सापेक्ष में मिथ्या, तब आपको क्या बोलना पड़ेगा, अद्वैतो द्वैतो अनात्मा दृश्य ये मिथ्या है, तो अद्वैत आत्मा दृष्टा हो सकता है, ये तो आर्थिक अर्थ से सिद्ध हुआ क्योंकि दो ही आपके पास आत्मा और अनात्मा,
जड़ और चेतन, अपने जड़ात्मक जगत को मित्र सिद्ध कर दिया तो चेतन सत्य होगा, परंतु आप उसको युक्ति और श्रुति के द्वारा समझाने के लिए तृतीय प्रकरण आया था। तृतीय इसलिए बोलते वहाँ पे कि वैतत्वात् च सिद्ध से भी आर्थिक सिद्धि रूपों पे आर्थिक अर्थ से अर्थ सिद्ध होता है, जिसको तो आर्थिक अर्थ जैसे एक श्लोक आता है ऐसा, मतलब आप देखिए शक्ति वृत्ति से अर्थ होता है, फिर जो है लक्षणावृत्ति से अर्थ होता है और व्यंजनावृत्ति से अर्थ है। गच्छ 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 गच्छसी चेत कांत पंथा न अस्तु ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयात् जत्र गतो भवा। कोई किसी के कोई प्रिय वस्तु की व्यक्ति उससे अलग होकर जा रहा था, तो जो प्रिय जो वहाँ पे रह रहा है वो बोल रहे हैं कि आप जाना चाहते हो जाओ, आपका मार्ग शुभ कल्याणकारी हो। परंतु भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी जन्म वहाँ हो जाए जहाँ आप जा रहे हो। क्या अर्थ होगा इसका? मतलब मैं आप चले जाओ तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि जो दोबारा जन्म लेकिन मैं आर्थिक अर्थ हो गया। ममा के जन्म तत्र ही भूया चंद्र गतो भवन, आप जहाँ जा रहे हो वहीं पे मेरा जन्म हो जाए, मतलब क्या हो गया मैं मर जाऊँगी, ये अभिप्राय आर्थिक अर्थ। यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपने भेद प्रपंच दृश्य प्रपंच अनात्म वस्तु विद्या सिद्ध कर दिया शुद्धि और युक्ति का आधार पर, इसके सापेक्ष में है वो आत्मा दृष्टा के सापेक्ष में, तो वो जो सत्य है तो आर्थिक अर्थ सिद्ध तो हुआ, परंतु आपने श्रुति और युक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं किया हो। अब श्रुति और युक्ति के द्वारा सिद्ध करने के लिए तृतीय प्रकरण आया था, इसलिए आप बोलते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या अपमान हुआ, जगत की मिथ्यात्व तो सिद्ध हुआ किंतु आत्मा सत्य है ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना। मान दो ये मिथ्या है परंतु इसका मतलब यही सत्य है ये भी मिथ्या ही होगा, ये निषिद्ध नहीं, इसे उसको सिद्ध करने के लिए अद्वैत प्रकरण आया था। इसलिए आप बोलते हैं कि अद्वैत प्रकरण से तद विषयाभ्याम एव शास्त्र युक्तिभ्याम साक्षात साधितम, इस अद्वैत प्रकरण में जो है उसी विषय को सहारा लेकर के ही शास्त्र युक्तिभ्याम तद विषयाभ्याम पंचम शास्त्र की विषय बना करके और उसको युक्ति के द्वारा साक्षात साधितम सीधा सीधा अद्वैत पारमार्थिक सत्य इसको सिद्ध करके दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया सिद्ध है, इति आवश्यक मन में रखते हुए बोले थे कि अद्वैत शास्त्र युक्ति व्याम अद्वैत में शास्त्र युक्ति के द्वारा साक्षात निर्धारित साक्षात निर्धक है, कैसे कहा था उसको तद एतत् उत्तमम सत्यम जत्र किंचित ना जायते इति उपसंहार करते थे। इस प्रकार से अद्वैत प्रकरण को उपसंहार कर दिया गया। ठीक है, दो नंबर टिप्पणी सुनना आया वैतत्वात् च सिद्धस्य, उस प्रतीक को लेकर के बोलते हैं इति आर्थिक सिद्धि रुकता वहाँ पे अर्थ से सिद्ध हुआ, दो वस्तु दिखा करके आपने ये कह दिया कि ये मिथ्या है, तो जैसे यहाँ पे दो ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है, ये दो ब्राह्मण है तो आर्थिक अर्थ से क्या सिद्ध हो जाएगा, ये क्षत्रिय ये आर्थिक मुँह से नहीं बोला, फिर वो क्षत्रिय है कि नहीं है तो उसको चिन्ह दिखाएंगे, देखो ये राजा के शब्द भर गए। इस प्रकार से ये दिखा करके कि द्वैत प्रपंच में मिथ्यात्व दिखा करके फिर अद्वैत पारमार्थिक सत्य तृतीय प्रकरण में शास्त्र अयुक्ति के आधार पर दिखाया, इसलिए बोलते साक्षात साधित मिति अद्वैत इत्यादि साक्षात निथ। तीन नंबर टिप्पणी में साक्षात मतलब संशय विपर्य आदि राहित्य नहीं थे, अर्थ वहाँ पे जो है आपको जो है अद्वैत पारमार्थिक सत्य इस विषय में कोई संशय अथवा विपर्य क्या मालूम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यदि आप ठीक से उसको विचार करेंगे तो ये भाव चला जाएगा नहीं नहीं अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है, विपरीत ज्ञान क्या है नहीं नहीं हमें तो द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है अद्वैत तो कहाँ से सत्य होगा, वो दिखाई देने पर भी उसी के अंदर नाम रूप में भेद दिखाई पड़ता है, नाम रूप के अंदर सत्य स्फुति प्रदान करने वाला तत्व तो भिन्न नहीं है, विपरीत संशय मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है और विपर्य मतलब उल्टा ही हो गया। देखिए इंदु विरोचन संबंध प्रजापति इंदु विरोचन संबंध में इंदु को संशय हो रहा था ये कैसे हो सकता है, फिर घूम घूम का आ रहा था और विरोचन उल्टा बुद्धि कर लिया आया ही नहीं शरीर ही आपने उल्टा बुद्धि कर लिया, मतलब उल्टा चीज में स्थिर क्या हाँ मतलब अतस्मिन तद बुद्धि जहाँ पे जो नहीं है उसमें बुद्धि कर लिया, आत्मा शरीर को आत्मा मान लिया था निश्चय कर लिया यही सत्य है, जाकर अपने शिष्य को बोलता भी है कि देखो गुरु जी ने ऐसे सिखाया ऐसा जो है संशय विपर्य आदि रहित है, संशय विपर्य आदि से रहित होकर जो ज्ञान होता है साक्षात निर्धारण करके दिखाई देता है। अंत तस्य एतस्य
आगम अर्थस्य अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपक्ष भूता द्वैतिन वैनाशिकाश्च तेषां च अनुन्य विरोधा राग द्वेषादि क्लेश आस्पदं दर्शनम् इति मिथ्या दर्शनत्वं सूचितम्। क्या बोलते हैं कि अंतिम में क्या होगा, तस्य एतस्य आगमार्थस्य उस इस श्रुति प्रतिपादित विषय को क्या अद्वैती पारमार्थिक सत्य है, तस्य एतस्य आगमार्थस्य वो इस मतलब वो मतलब शास्त्रों में कहा गया इस मतलब इस ग्रंथ में जो प्रतिपादन करके दिखाया गया उसको आगमार्थस्य मतलब शास्त्र को विषय करता है वो अद्वैत दर्शनस्य जो भेद रहित जो दृष्टि उसको उसकी विपरीत प्रतिपक्ष भूता उसकी विपरीत बोलने वाला है। आपके यहाँ पे कितना दर्शन है, 13, 6 आस्तिक दर्शन 7 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन 7 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन में अद्वैतवादी कितने हैं द्वैतवादी कितने हैं, 6 जो आपका आस्तिक दर्शन है अद्वैतवादी, एक ही अद्वैतवादी बाकी सब द्वैतवादी हैं। सांख्य भी पुरुष बहुत मानते हैं, योग दर्शन भी उसी के अनुसार चलते हैं, नैन वैशेषिक दर्शन में भी जीवात्मा परमात्मा को पहले भिन्न माना फिर जीवात्मा को अनेक माना, नैन वैशेषिक दर्शन और पूर्वमीमांसा दर्शन तो जीवात्मा को भिन्न करके ही माना, ईश्वर की कथन है नहीं कर्म से मुक्त होते ऐसा मानने वाले हैं। तो समस्त आस्तिक दर्शनों में केवल मात्र अद्वैत वेदांति एक ही सिद्धांत है, इसी नाम बोलते हैं प्रतिपक्ष भूता द्वैतिन मतलब आस्तिक दर्शन वाली, ये तीनों से कहने का आस्तिक दर्शन वाली, और वैनाशिका ये नास्तिक दर्शन है बौद्ध जैन और चार्वाक। चार्वाक दर्शन क्या बोलते हैं, शरीर ही आत्मा है। जैन दर्शन आत्मा के स्वरूप को लेकर बहुत विलंबना में रहे, शरीर मतलब मात्र परिमाण को मानते आत्मा को, शरीर परिमाण आत्मा को माना जैन दर्शन में, और वैद्य बौद्ध ने आत्मा को क्षणिक माना, बुद्धि को आत्मा मान के उसको क्षणिक माना, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है नाश होता है और एक नया उस पकड़ता रखा है उत्पन्न करके इसको इसलिए ये वैनाशिक कहते हैं। तो द्वैतिन मतलब आस्तिक दर्शन वाले हमारे ये ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अर्थ है, अवयोग अर्थ द्वितीय अर्थ है कि जो आपका द्वितीय पाद है वहाँ पर एक एक करके व्यास देते हैं सभी मतवाद को, है ना, आस्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन में इनको बौद्ध मत को जैन पांचरात्र सिद्धांत इसको सब जो है अंते तस्य एतस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपक्ष भूता इसका विवृति जो बैठा हुआ है द्वैतिन है ना मतलब आस्तिक दर्शन को द्वैतिक शब्द है और वैनाशिकस्य मतलब नास्तिक दर्शन वाले को तेषां च। अब क्या है उसमें कि हम उनके साथ लड़ते नहीं हैं, भूतेगा भूतम प्रेतेगा जो रहिए आपके पास कोई लड़का एक भूत है एक प्रेत है बोलते पहले तू दोनों लड़ने फिर हम दोनों से चल करें भूत को प्रेत किसे जोड़ा दिया तो क्या होता है वो आपस में जो है ना देखो परस्पर परस्पर विरुद्ध अयोना विरुद्ध और आपस में जो है अपने सिद्धांत को एक दूसरे को सिद्धांत के खंडन करते हैं तो उन लोगों के परस्परिक सिद्धांत को खंडन करते अनुमोदन है भयम हम लोग उसका अनुमोदन कर देते हैं इससे क्या सिद्ध होता है देखो उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है तुम उत्पत्ति के लेकर के बोलते सत्कार्यवादी उपत्ति सत्कारोभवादी सब लेकर के आपस में लड़ते रहते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं। तो यहाँ पे बोलते हैं कोई तेषां च अन्योन्य विरोधा वो क्या होता है आपस में एक दूसरे से विरोध करते रहते हैं और दूसरे बोलते राग देशादि क्लेश आस्पद दर्शन जो सिद्धांत को मैंने बनाया वही हम ठीक है दूसरे का सिद्धांत ठीक नहीं है। ये क्लेश ही जो है बंधन के कितना क्लेश है हमारे पास 5 अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश हमें बोलते हैं राग देश आदि क्लेशास्पद राग देश आदि से क्या लेंगे अविद्या अस्मिता अभिनिवेश उसका आस्पद दर्शन इसलिए मिथ्या दर्शनत्म सूचित वो दर्शन भी पारमार्थिक दर्शन ही है ऐसा सूचित हो रहा है उत्तर मीमांसा इसको वेदांत दर्शन आगम अर्थ
यत्र एवं विधम अद्वैत दर्शनम अद्वैत शास्त्रम वेदार्थ गर्भम वेदार्थ गर्भम इति अर्थ आगम अर्थस्य मतलब श्रुति में प्रतिपादन किया गया, श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया जिस विषय को, उस विषय का आगम अर्थस्य तो आगमस्य अर्थ मतलब श्रुति का विषय यत्र एवं विधम अद्वैत दर्शन की श्रुति का विषय में तो 16,000 मंत्र द्वैतों को प्रतिपादन करते हैं, सॉरी 80,000 मंत्र, 80,000 मंत्र कर्मकांड में है जो द्वैत प्रतिपादन करते हैं, जो नाम मना है क्षत्रिय करो ये कर्म है, ये तो कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्ता भोक्ता वाला आत्मा को भेद बुद्धि लेकर प्रतिपादन। 16,000 मंत्र जो उपनिषद भाग उपासना भाग में आए हुए वहाँ भी उपासना वो भी द्वैत को लेकर के कहीं अहम गुरु उपासना के लिए बोलते हैं, केवल 4,000 मंत्र अद्वैत तत्व को प्रतिपादन करते हैं, परंतु उसी के ये वेदांत अंत शब्द का अर्थ होता है एंड, अंत शब्द का अर्थ होता है इन, और अंत शब्द का अर्थ होता है जिस्ट क्लीन सार, एक होता है एंड एंड, एक होता है अंत मतलब कमरे के अंदर घर के अंदर अंत अंत इनसाइड इनसाइड, और एक अंत जिस्ट क्लीन ये इसका सार, इस प्रकार पूरा दूध से जब मंथन आदि का घी निकालते उसका अंत अंतिम परिणाम है उसका, ठीक है ना। तो वेदांत वेद के अंत में है, वेद के अंदर है और वेद के सार है, ये वेदांत है। वेदांत का नाम उपनिषद है, वेदांत तो वेद का अंतर है, मतलब वेद का तो पाती है, वेद के बाहर में तो ग्रहण ही नहीं होगा, क्योंकि यद्यपि वहाँ पे बोला था कि पराविद्या अपराविद्या को कथन करते समय तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व शिक्षा कल्पनिक छंद जिस व्याकरण विधि अथो पराजय तदक्षरम अधिगम्यते, है ना। अब अथो उसके बाद जो पराविद्या है जिसके द्वारा अक्षर अर्थ को जाना जाता है वहाँ पे तुरंत शंका उठे, श्रुति मंत्र है, भाष्यवाक्य मंत्र नहीं है ये, तो आप वेद और वेदांत को तो आपने अपराविद्या बोल दिया, तो पराविद्या वेद का बाहर है क्या, जो वेद का बाहर होगा तो ग्रहण ही नहीं होगा। बोलते नहीं नहीं, पराविद्या वेद का बाहर नहीं है, वेद का अंदर ही है, परंतु पराविद्या के लिए कुछ विशेष योग्यता चाहिए, इसलिए वहाँ पर अलग करके बाहर गए, अलग करके बाहर गए। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आगमस्य अर्थ यथा एवं विधम अद्वैत दर्शनम, जो इस प्रकार की जो भेद रही दर्शन है, जो वेद रही सिद्धांत है, अद्वैत शास्त्र वेदार्थ गर्भ वेद की विषय के अंदर छुपा, गर्भ मतलब कि जिसके जो अंदर छुपा रहता है, अंदर छुपा रहता है, गर्भ मतलब जो अंदर छुपा रहता है, वेदार्थ गर्भ वेद की अभिप्रेत अर्थ के अंदर जो छुपा हो, ये हो गया वेदांत दर्शन। इसीलिए तो ये सब सभी व्यक्ति, कई व्यक्ति ने वेद पढ़ा था, सभी के अंदर ये अद्वैत सिद्धांत जो है वो खुलता नहीं है, क्योंकि पुराने जन्मांतर संस्कार उसको खुलने नहीं देता। नाम रूप जगत दिखाई दे रहा है, नाम रूप के गर्भ में सच्चिदानंद छुपा हुआ है कि नहीं, नाम रूप के गर्भ में सच्चिदानंद छुपा हुआ है, ये वेदार्थ। अब जो है यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी पड़ गई, अच्छा इसीलिए अब भाषण देखिए, जो अनन्य विरोधात राग देशादि क्लेश अस्फुटम दर्शनमिति मिथ्या दर्शनत्वं सूचितम, ये दर्शन इसलिए पारमार्थिक सत्य नहीं है, सूचित होते हैं। क्लेशानां क्लेश अनास्पदत्वात् क्लेश अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धिरेव संभव दर्शनमिति अद्वैत दर्शनम स्तूयते, ठीक है ना। ये उनके सिद्धांत कौन से, क्लेश का नाश कब हुआ, जब पुरुष का ज्ञान हुआ, पंच क्लेश का नाश चित्त वृत्ति के निरोध के माध्यम से जब पुरुष तत्व का ज्ञान होता है तब क्लेश का नाश होता है। अभिन्न पंच क्लेश का नाश कब होगा कि चित्त योग योग दर्शन तो मुख्य सिद्धांत है, जो चित्त वृत्ति निरोध, परंतु चित्त वृत्ति निरोध होने से काम होने वाला नहीं है, निरुद्ध चित्त में पुरुष तत्व का अभिव्यक्ति हो जाता है वो काम करेगा तब वो मुक्ति के लिए होता है। निरुद्ध चित्त में जब पुरुष का अभिव्यक्ति होती है वो बोध मुक्ति के लिए हेतु बनते हैं, उनका भी सिद्धांत यही है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं क्लेश अनाश्वतत्व, इस प्रकार की क्लेश की आधार नहीं होने के कारण क्या, भेद में ही क्लेश है, अभेद में शिव है, महाविद्यालय शांतम शिव शांतम शिव अद्वैत शांत है, वो कल्याणकारी है। इसलिए क्लेश अनास्पदत्वात् क्लेश के आश्रय नहीं होने के कारण आत्म एकत्व बुद्धि एवं संपद दर्शन है ना,
देखिए नाम रूप एकत्व तो बुद्धि नहीं बोल रही, आत्मा एक है ना, आत्मा एक है, शरीर भिन्न का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु तो आत्मा एक है। इस बुद्धि से इस दृष्टि से आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि तो व्यवहार के, देखो व्यवहार नाम रूप से होता है, आत्मा में व्यवहार नहीं है, आत्मा की सान्निध्य में व्यवहार होता है, मतलब व्यवहार का नाम रूप में होता है, उसका भेद है, उसका इस चीज को नहीं समझ पाने कारण लोग वेदांत दर्शन को ही उल्टा समझ लेते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं आत्म एकत्व बुद्धि एवं सम्यक दर्शन विधि, इस प्रकार से अद्वैत दर्शनम स्तुत्यते, इस प्रकार से अद्वैत दर्शन की स्तुति किया जाता है। पांच नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, अद्वैत दर्शनम इति अत्र अद्वैत दर्शन स्तुते इति लिखित पाठ, यहाँ पे क्या स्तुयते मतलब स्तुति किया जाता, और स्तुतये मतलब स्तुति के लिए, स्तुति मत शब्द चतुर्थी एकवचन क्या था, मत है, तो स्तुति शब्द चतुर्थी एकवचन क्या होगा, स्तुते, तो स्तुति के लिए है ना, तो स्तुति के लिए अद्वैत दर्शन इति अत्र, वहाँ पे टिप्पणी का कैसे वैकल्पिक माना, अद्वैत दर्शन स्तुतये अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए, स्तुति के लिए इति लिखित पाठ, किसी लिखित पुस्तक में यहाँ पे लिखा है स्तुयते, कहीं उनका भी पुराना पुस्तक मिला होगा, तो अद्वैत स्तुति के लिए मतलब भाष्य के ऊपर कुछ प्रक्षेप अथवा कुछ परिवर्तन किया, भाष्यकार ये लिखे होंगे कि अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए ये प्रकरण आया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्तुति किया जाता है, स्तुयते मतलब स्तुति किया जाता है, स्तुति यहाँ पे क्या है कि स्तुतये स्तुति हो गया स्तुति के लिए, स्तुयते मतलब स्तुति किया जाता है, ये दोनों भिन्नता पाठ में तुमको दिखाई दिया, लगभग दोनों एक ही मतलब है, लगभग दोनों एक ही ना, स्तुति किया जाता है स्तुति के लिए, इधर मतलब यहाँ पे स्तुति क्या, ये स्तुति के लिए मतलब अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए इस प्रकरण को शुरू किया, मतलब स्तुति किया जाता है ना, स्तुति करने के लिए लिखा जाता है, बहुत अंतर तो नहीं है शब्द में, दक्षिणी कंठ स्तुति का तद यह विस्तारेण अन्योन्य विरुद्धतया असम्यक् दर्शनत्वं प्रदर्श्य तत् प्रतिषेधेन अद्वैत दर्शन सिद्धि रूप संहर्तव्यः आबीत न्यायेन इति अलात शांति आरभ्यते, ठीक है ना, अलात शांति प्रकरण क्यों शुरू किया जाता है, तो यहाँ पे बोलते हैं तद यह तद मतलब छः नंबर टिप्पणी, तद मतलब पूर्व प्रकरण उक्तम, जो पहला प्रकरण में कहा गया नया चीज नहीं बोलेंगे उसी को ही, तो तद यह विस्तार न विस्तार से अन्य वादियों का सिद्धांत में क्या था उसको दिखाते हुए, अन्योन्य विरुद्धतया वो वादी लोग आपस में विरोध करते रहते हैं, बौद्ध दर्शन एक ही बौद्ध दर्शन में चार भाग हो गया, सौत्रांतिक वैभाषिक क्षणिक विज्ञान और शून्यवादी, और आपस में विरोध करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, इसलिए और हमारे आपस में हमारे शांख न्याय विरोध करते रहते हैं, वो आरंभवादी है सत्कार्यवादी है, तो तद यह विस्तार है ना अन्योन्य विरुद्धतः आपस में एक दूसरे से विरोध होने कारण असम्मत दर्शनत्व प्रदर्शन, इसलिए अवग्रह लगाना पड़ेगा, होंगे ठीक है ना, अवग्रह लगा दीजिए, तो असम्यक् दर्शनत्वं प्रदर्शन को यथार्थ दर्शन नहीं है इसको दिखा करके तत्प्रतिषेध न उस सिद्धांत को मतलब ग्रहणीय नहीं है इसको दिखाते हुए अद्वैत दर्शन सिद्धि, अब अद्वैत को तो आप सीधा सीधा नहीं दिखा सकते हैं ना, द्वैत को दिखा करके उसका अभाव दिखाना, इसीलिए इससे अद्वैत दर्शन का सिद्ध अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंहर्तव्य, इस प्रकार से प्रवृत्ति की उपसंहार करना चाहिए, इसलिए आबीत न्यायेन, आबीत मतलब होता है अन्वय व्याप्ति, बीत न्याय, बीत न्याय को बोलते हैं अन्वय व्याप्ति, आबीत न्याय मतलब व्यतिरिक व्याप्ति, व्यतिरिक व्याप्ति की तरह बीत न्याय मतलब अन्वय व्याप्ति, और आबीत न्याय मतलब होता है व्यतिरिक व्याप्ति, व्यतिरिक व्याप्ति क्यों बोलते हैं, निषेध मुख से प्रतिपादन करते हैं, ये है अद्वैत ऐसा करके नहीं दिखा सकते, परंतु ये जो दिखाई दे रहे ये नहीं, ये बोलते हैं आबीत, निषेध मुख से प्रतिपादन करने की इच्छा रखते हैं ना, टीकाकार बोलेंगे इसके अंदर यहाँ पे देखिए तत् कितने व्यक्तिरेय को अभी व्यभिचार शंका निराशित है व्यक्ति निश्चय ठीक है, बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे बोलते हैं आबीत न्याय, आबीत ना मतलब व्यतिरिक व्यक्ति के द्वारा, व्यतिरिक मतलब निषेध मुख से,
निषेध मुख से नैना अलाज शांति आरोप रहते अलाज शांति प्रकरण को शुरू किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक तत्शब्द तो पढ़ लिए थे, यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं तत्प्रतिषेधन तत्प्रतिषेध मतलब तस्य हेयत्व प्रदर्शन मतलब वो ग्रहण के बारे में तस्य मतलब द्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन में हेयत्व हेयत्व है वो दिखाने के लिए तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण नमस्कारार्थ अयम आद्य स्वरूप। हमारा अद्वैत सिद्धांत में अद्वैत प्रकरण में जब आपको कुछ लिखना है अद्वैत को दिखाना है तो आपको नमस्कार भी करना है तो किस प्रकार से करना पड़ेगा अद्वैत भाव से ही करना पड़ेगा। अद्वैत भाव से नमस्कार क्या है अपने स्वरूप भूत होगा तो भगवान की चिंता करो ये सबसे अच्छा नमस्कार है, सबसे अच्छा नमस्कार। देखिए कितना मर्यादा को देखिए अद्वैत में नमस्कार कैसे होगा बल्कि अद्वैत में नमस्कार अद्वैत भूत से ही होगा। नमस्कार तो दो में होता है दूसरे बोलते हैं देखिए भाष्यकार के लिखने की शैली देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको कि तत्र आप इस विषय में अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु है ना अद्वैत दर्शन की जो गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा को अद्वैत संप्रदाय पर अद्वैत भाव से ही नमस्कार अर्थ नमस्कार करने के लिए अयम आद्य श्लोक को भी पहला श्लोक करते अब श्लोक तो समझ में आ जाएगा मैं बोल ना ज्ञान ज्ञाता के अति एक हो गया इस प्रकार से है ना ज्ञान आकाश कल्पे न धर्मान जो गगनोपमान ज्ञान और ज्ञाता को देखा करके आप क्या हो जाएगा ज्ञान ज्ञेय अभिन्न न संपुत्र वो ज्ञेय और ज्ञाता और ज्ञान सब अभिन्न होकर के एक रूप में संभव रूप से बोध करता है उस नारायण को अद्वैत दर्शन संप्रदाय करतो अद्वैत स्वरूपेण नमस्कार। इसे देखो हमारे पहले अलेक्जेंडर पुरु की हिस्ट्री में आता है ना कि पुरु को बंधन करके लाया था तो हम से क्या उम्मीद करते हैं बोलते हैं राजा राजा के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ऐसा हम उम्मीद करते हैं ऐसे हम अद्वैत दर्शन को पढ़ते हैं तो हम राजा राजा की तरह व्यवहार करेंगे हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं जो सम्मान से जो उसका सम्मान करना अद्वैत रूप से उनको चिंतन करना भेद देखोगे तो वो अपमान होगा या तो राग अथवा देश होगा यही सबसे बड़ा अपमान है। अद्वैत में कोई भेद राग देश नहीं होता है ना इसीलिए ये सबसे बड़ा सम्मान है सबसे बड़ा सम्मान है इस चीज़ को जो है कितना हमारे संप्रदाय जो आचार्य से यही चीज़ हमको सीखना है अद्वैत अनुभूति तो बात की बात है व्यवहार में जैसे शुद्ध होता है अद्वैत दर्शन संप्रदाय करते हो अद्वैत स्वरूप नमस्कार तो हमारे मार्ग स्वरूप दो नंबर तीन नंबर चार नंबर तीन टिप्पणी दिखाई पड़े है अद्वैत दर्शन संप्रदाय करते हो तथा च पठ्यते वैशम शुक्रम गौरवदम महान केवल धन नारायण पद्म भगवान वशिष्ठ शक्ति इति ये हो गया अद्वैत मतलब वैश गौर शुक्र पद शुक्राचार्य ये हम लोग का परंपरा है यही हमारी परंपरा है नारायण नारायण से शुरू नहीं थी नारायण को तो पहले बोल दिया कि हम नारायण पद्म भगवान वशिष्ठ वैश फिर अद्वैत स्वरूप है ना अद्वैत अभिन्नता के भाव से चिंतन करना स जो हई तद ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति इति श्रुते उस व्यापकता को जो जान लेते हैं ना उस व्यापकता के साथ एक हो जाता है। उस समय तुलसीदास भी यही बोलते हैं जान ही तुम ही हो जाए देखिए वो तो द्वैतवादी थे ना परंतु क्या बोल रहे हैं जो भगवान को जानता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है वो भी विषय की बात है। स जो हई तद ब्रह्म वेद ये मुंडक उपनिषद है मुंडक उपनिषद है सुते ब्रह्म स्वरूप नहीं थी अभी व्यापकता के स्वरूप एक होता मतलब व्यापक स्वरूप के साथ एक होकर के अपने चिंतन करना है ना यही वहाँ पे हमारा ब्रह्म सूत्र भगवान भाष्यकर लिखते समय जो है ना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भाष्य लिखना शुरू किया उष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर कोई मंगलाचार्य नहीं तो बोला कि भाष्यकर तो बोला परंपरागत तो दिया बोलते नहीं नहीं वो जो अथ शब्द कुछ तो मन में बैठा है ना वही मंगलाचार्य हो गया अथा तो ब्रह्म अथ शब्द बन गया है और फिर अस्मत प्रत्यय को चिंतन करते इससे अच्छा मंगलाचरण क्या होगा
तो इसलिए हम बोलते हैं कि श्रुति ब्रह्म स्वरूप नहीं थी, श्रुति के ब्रह्म नहीं था, जो इस प्रकार श्रुति से वो ब्रह्म मतलब व्यापकता की स्वरूप का अपने व्यापक स्वरूप के साथ एकत्र चिंतन करना ही इस सबसे अच्छा प्रणाम है ना। उस पर देखिए आप ये जो है सामान्य रूप से आप पिता माता को कई चीज ला करके देते हैं, परंतु पिता माता जो बोलते हैं कि समय से आओ सारा मत पीछे करे मत वो नहीं मानते हैं आप जो लगते हैं। और एक व्यक्ति हो सकता अपना सामर्थ्य नहीं है उतना, परंतु पिता माता जो बोलते हैं मान करके चलते हैं, किसको अधिक सम्मान होता है, किसको अधिक मर्यादा होता है, किसको अच्छा बोलेगा शास्त्र, जो मान के चलते हैं। अब ये हमारी गुरु परंपरा में जब आपको बार बार बोल रहे हैं कि अद्वैत चिंतन करो अद्वैत चिंतन करो, आपने प्रणाम नहीं किया अलग कैसे कुछ ना दिया, मैं तो अद्वैत चिंतन करना मतलब आपने अपनी परंपरा को जो है अधिक रिस्पेक्ट कर दिया, अधिक रिस्पेक्ट कर दिया। यही इसलिए आप बोलते हैं कि अद्वैत दर्शन अद्वैत स्वरूपे नव नमस्कार अद्वैत स्वरूप सहज ब्रह्म वेद ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप नहीं दिया। फिर आद्य श्लोक है ना पहले नमस्कार अर्थ अयम आद्य श्लोक पहला श्लोक क्या है ये अज्ञान है ना आकाश कल्पना यहाँ पे बोलते आद्य श्लोक अद्वैत उपदिष्टा अद्वैत रूपेण एवं नमस्कार जो अद्वैत को उपदेश किया जो अद्वैत को उपदेश किया जो व्यक्ति ने आपको जो सिखाया उसके प्रति श्रद्धा प्रदान करने के लिए उसी को फॉलो करना ही सबसे अधिक प्रणाम है सबसे अच्छा प्रणाम है। टिप्पणी का कितना सुंदर शब्द लिखा है बोलते हैं अद्वैत उपदिष्ट अद्वैत को उपदेश करने वाला कौन है नारायण ठीक है ना। उस नारायण को यदि प्रणाम करना है तो अभिन्न रूप से चिंतन करना ही सबसे अच्छा प्रणाम है। अद्वैत रूपे ने वो नमस्कार उसको अद्वैत भाव से ही नमस्कार करना चाहिए। यदि आद्य श्लोक तात्पर्य अर्थ इसलिए है पहला श्लोक का तात्पर्य अर्थ ऐसा समझना चाहिए अवगंतव्य ऐसा समझना चाहिए। आपको बोलना है कि वहाँ पे नमस्कार करना चाहिए मतलब मैं आपको ऐसा बोलना चाहिए ये नहीं बोल करके ज्ञान ज्ञाता कि एक हो जाता है ये कैसे बोल दिया बोलते यही तो अद्वैत हम लोग करने में यही सिखाया जाता है कि भेद त्रिपुट को मिटाओ अजब त्रिपुट को मिटाना इस भाव को जब मन में बैठा है यही उपदिष्टा के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। नारायण ने भी उपदेश किया नारायण ही उपदेश किया नारायण के प्रति सम्मान दिखाने के लिए यही सबसे अच्छा जो है नमस्कार है इस प्रकार से बोलते आगे आज कौन सा होगा दूसरा सेकंड है यत् प्रज्ञा न प्रज्ञा वैशाख वेद सुजित जननी वेद नाम नवदरस्तम भूतान्यलोक्यज्ञाय विरक्त जननन राघोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारामृतमदरमणिदूरमभूतहेतोर्यस्तमुच्चाधिपुच्छं परमगुरुमं पार्वतीमे नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।